जिन कोठियों में दूध बेचने जाया करते थे उन्हीं कोठियों में सांसद बनकर पहुंचे थे राजेश पायलट। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से परिचय कराने जा रहे हैं जो कभी दूध बेचा करता था, बाद में पायलट बना, पायलट बनने के बाद में राजनीति में आकर वो काम किया कि उसका लड़का आज राजस्थान सीएम की कतार में खड़ा हुआ है। नाम है राजेश पायलट। सर 1979 का चुनावी दौर था, आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी के सामने निर्भूक युवा खड़ा हुआ, जिसकी पहचान अभी तक सिर्फ स्क्वाडन लीडर राजेश्वर प्रसाद की थी। इंदिरा गांधी ने राजेश्वर प्रसाद को सलाह दी कि राजनीति में कोई स्थायित्व नहीं होता, इसीलिए नौकरी न छोड़े क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। राजेश पायलट ने उस टाइम पे इंदिरा गांधी से कहा था, श्रीमती गांधी का आशीर्वाद लेने में यहाँ आया हूँ, आपकी सलाह लेने नहीं आया हूँ। इन निर्भीक शब्दों से इंदिरा गांधी के मस्तिष्क को झकझोर देने वाले युवा राजेश्वर प्रसाद, जो बाद में राजेश पायलट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इस स्पष्टवादिता और निर्भीकता से इंदिरा गांधी इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें उस मिट्टी से जुड़े और संघर्ष से जन्मे युवा स्क्वाडन लीडर को टिकट देने का निर्णय कर लिया। समय था 10 फरवरी सन 1945। इस दिन राजेश पायलट का जन्म होता है। उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर, तब वो जिला गाजियाबाद हुआ करता था, इसके गांव वेदपुरा में एक गुज्जर परिवार में जन्मे राजेश्वर प्रसाद। उनके पिता एक सैनिक थे। 10 वर्ष की कम उम्र तक साधारण जीवन जीते राजेश्वर प्रसाद के परिवार पर संकट तब आ गया जब इनके पिता का आकस्मिक देहांत हो गया। उम्र थी 10 साल, पिता का साया उठ चुका था। उस वक्त इनकी उम्र महज 10 से 11 साल रही होगी। परिवार में माता पिता, विवाह योग्य दो बहनें, एक छोटे भाई का दायित्व इनके ऊपर आ गया, जिससे जिम्मेदारी की भावना बहुत कम उम्र में ही आ गई थी। उस समय में पैदल कई किलोमीटर नंगे पैर चलते हुए भी शिक्षा पूरी करने की लगन और कुछ करने की चाहत के लिए राजेश्वर प्रसाद को कुछ सालों के बाद गांव छोड़कर दिल्ली आने का निर्णय लेना पड़ा, जहां उनके चचेरे भाई दूध की डेयरी लगाया करते थे। ये समय राजेश्वर प्रसाद के लिए कड़ी मेहनत का था। राजेश्वर सुबह जल्दी उठते, दूध निकालते, मंत्रियों की कोठियों में दूध लेने जाते, फिर जल्दी आकर स्कूल भी जाते, इस तरह शाम को भी दूध बांटने जाते, फिर पढ़ने के लिए समय निकालते। ये वो कठिन समय था जब राजेश्वर प्रसाद को संघर्ष में लैंप पोस्ट के नीचे भी पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन ये पीछे नहीं हटे और दो बहनों की शादी करने के अलावा छोटे भाई को भी शिक्षा दिलवाई। लेकिन दुर्भाग्यवश छोटे भाई का आकस्मिक निधन हो गया। छोटे भाई के निधन ने इनके अंतर आत्मा को झकझोर दिया, अंदर से इनको तोड़ दिया। परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए दूध सप्लाई का काम करते रहे। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और सगे भाई से ज्यादा मानने वाले इनके चचेरे भाई नत्ती सिंह ने इनको पूरा सहयोग किया। ये एयरफोर्स में भर्ती हो गए। वायु सेना में प्रशिक्षण के बाद लड़ाकू विमान के पायलट बने और फिर 15 वर्षों से अधिक मेहनत के बाद प्रमोशन पाकर स्क्वाडन लीडर बने। उन्होंने सन 1971 में भारत पाक युद्ध में भी भाग लिया और बहादुरी के लिए उन्हें पदक भी मिला। लेकिन लुटियंस जोन के बंगलों में बचपन में दूध बेचने वाले राजेश पायलट की जिंदगी उन्हें युवा सेना से फिर वापस उन्हीं बंगलों की तरफ खींच ले जाना चाहती थी, जहां उनका कष्ट भरा समय बीता था। संघर्ष का सभी समय अक्सर कोठियों के बीच में दूध बेचते हुए राजेश पायलट का गुजरा था। शायद उन्हें अपने कहे वो शब्द चरितार्थ करने थे जो राजेश पायलट की पहचान बन गए थे। जब किसानों और मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर कुर्सियों तक पहुंचेंगे, जहां से नीतियां बनती हैं और क्रियान्वित होती है, तब भारत सही मायनों में विकास कर पाएगा। ये शब्द थे श्रीमान राजेश पायलट साहब के। सन 1979 में नौकरी से इस्तीफा देकर राजेश्वर प्रसाद जब भरतपुर में कांग्रेस का पर्चा दाखिल कर रहे थे, तो वहां कार्यकर्ताओं ने उनसे निवेदन किया कि वह अपने नाम के साथ पायलट लिखें। राजेश पायलट ने नाम के साथ पायलट लिखने का जनता का आग्रह स्वीकार करके राजेश पायलट के नाम से पर्चा भरा। उनका असली नाम राजेश्वर प्रसाद था, लेकिन पर्चे में नाम राजेश पायलट लिखा गया। जैसे ही वो पर्चा भर के बाहर निकले, राजेश पायलट जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उन्होंने भरतपुर की सीट से वहां के राज परिवार के सदस्य महारानी को हराकर पहला चुनाव जीता और इसी के साथ राजनीति की दुनिया में उन्होंने कदम रखा।
इसके बाद उन्होंने कई चुनाव जीते। सन 1991 से लेकर सन 1993 तक टेलीकॉम मिनिस्टर रहे और सन 1993 से लेकर 1995 तक आंतरिक सुरक्षा मंत्री राजेश पायलट साहब रहे। इसी दौरान आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहते हुए राजेश पायलट जी ने देखा कि एक विवादास्पद तांत्रिक चंद्रस्वामी, जिसके सामने बड़े बड़े मंत्री और अधिकारीगण सर झुकाते थे, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का करीबी भी माना जाता था, उसके खिलाफ जांच बैठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उसके खिलाफ शिकायत आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। सत्ता में बैठे लोगों का भी मूक समर्थन उसे प्राप्त था। इसके अलावा सबूतों की कमी का हवाला देकर भी गिरफ्तारी न करने का दबाव भी था, जिससे किसी मामले में पायलट के सामने संकट खड़ा हो सकता था। पायलट ने उस वक्त कहा था, चाहे मुझे जेल जाना पड़े लेकिन ये खेल खत्म होकर रहेगा। पायलट ने उसके खिलाफ जांच बैठाई और उसे जेल भेज दिया, जिसका राजनीतिक हलके में विरोध भी हुआ, लेकिन राजेश पायलट की छवि और ज्यादा मजबूत हुई और कद्दावर नेता की तरह उभर कर सामने आए, जिसे उसे लक्ष्य से कोई नहीं भटका सकता था। हालांकि इसका खामियाजा राजेश पायलट को मंत्रालय में फेर बदल करके चुकाना पड़ा। मजबूत इरादों वाले पायलट अड़िग रहे। इन्हीं मजबूत इरादों की बदौलत राजेश पायलट ने सीताराम केसरी के सामने पार्टी अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफल नहीं हुए। इसका उनके कई साथियों ने विरोध भी किया, लेकिन वैचारिक तौर पर मजबूत और किसानों और मजदूरों द्वारा उन्हें अपना नेता माना जाता है, ये विश्वास करते हुए उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। राजेश पायलट जी पर एक बार जानलेवा हमला भी हुआ, जिसे किसी उग्रवादी संगठन द्वारा किया बताया जाता है। अपनी स्पष्टवादिता और ना झुकने वाले व्यवहार के कारण ही ये कई उग्रवादी संगठनों के निशाने पर रहे, लेकिन जनता की असीम प्यार और उनके लगाव से उनका बाल भी बाका नहीं हो सका। राजेश पायलट ने कहा था, बेईमान लोग और बिचौलिए हट जाओ, राजेश पायलट आ गया है। राजेश पायलट का ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए राजनीतिक नेता होने के कारण गांवों और किसानों से काफी लगाव था, जिसका जिक्र अपने भाषणों में उन्होंने किया भी था। चिर परिचित राजस्थानी पगड़ी अब उनका पहनावा बन चुकी थी। एक बार किसी गांव में जाने पर उन्होंने देखा कि कुछ छुटवैये नेता और अधिकारी उनके आगे पीछे लगे हैं और किसानों से सीधे बात भी नहीं करने दे रहे, तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा, बेईमान और बिचौलिए लोग हट जाओ, राजेश पायलट आ गया है, मुझे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, मैं सीधे लोगों से बात करना चाहता हूँ। ग्रामीण भारत में उनका जुड़ाव इतना मजबूत था कि उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर कोई भी देशवासी उनसे मिल सकता था। सबकी शिकायत सुनना और बड़े आराम से सबको मनाना उनकी खासियत थी। एक बार ऐसा भी होता था कि उनसे जुड़े हुए उनके गांव के या आसपास के लोग या जानने वाले दिल्ली में किसी मरीज को लेकर अस्पताल में आने वाले लोग भी उनके घर रुकने जाया करते थे, जिनका वहां रुकने का प्रबंध भी पायलट ही करते थे। उनका आवास पर ग्रामीण अंदाज में चारपाई हुक्का बुजुर्गों के लिए अपनापन महसूस कराता था। राजेश पायलट ने सन 1987 में जय जवान जय किसान ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य गरीब किसानों और पिछड़ों की मदद करना था। इस ट्रस्ट के द्वारा उन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षा, सैनिकों की विधवाओं को, गरीब किसानों की मदद करने, ऐसे कई अफवाहों की सहायता करने के लिए काफी कार्य किए, जो कि अनवरत जारी है, अभी तक भी किए जाते हैं। इस ट्रस्ट की सहायता से कई हॉस्पिटल खुले, स्कूलों को सहायता दी गई। राजेश पायलट जी के परिवार में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमा पायलट, पुत्री सारिका पायलट और पुत्र सचिन पायलट, जो कि उनकी राजनीतिक विरासत को वर्तमान में संभाल रहे हैं और कांग्रेस में प्रमुख चेहरा एक माने जाते हैं। राजेश पायलट को जीप चलाने का शौक था, वो अपनी जीप को अधिकतर खुद ही ड्राइव कर लेते थे। 11 जून 2000 को अपने चुनावी क्षेत्र दौसा से एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वो जयपुर हाईवे पर उनकी जीप एक ट्रोले से टकरा गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए। उसी दिन सवाई मानसिंह अस्पताल में शाम को 7 बजे जमीन से जुड़े नेता का दुखद रूप से निधन भी हो गया। देश की समस्याएं, किसानों की समस्याएं और गरीबों की समस्याएं सदन में मजबूत तरीके से उठाने वाली वो आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। पीछे छोड़ गई एक चिरपरिचित मुस्कान, कभी न भूलने वाले वो शब्द जो हमें प्रेरणा देते रहेंगे हर किसान, मजदूर और बच्चों को। राजेश पायलट के वो शब्द थे कि जब किसानों और मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों तक पहुंचेंगे जहां से नीतियां बनती है और क्रियान्वित होती है, तब भारत सही मायनों में विकास कर पाएगा।
तो ये थे राजेश पायलट, जो इतनी छोटे तबके से उठकर आते हैं, इतनी गरीबी की जिंदगी जीते हैं और उसके बाद इस मुकाम पे छोड़कर अपने परिवार को चले जाते हैं कि हर कोई उन्हें याद कर सकता है, उनके बारे में पढ़ सकता है, लिख सकता है, सोच सकता है, लेकिन वर्तमान में वो हमारे बीच नहीं है और ऐसे महान नेता को हमने खो दिया है। आगे की उनकी राजनीतिक विरासत को उनके जो लड़के हैं सचिन पायलट वो संभाल रहे हैं। आगे क्या होता है राजनीति के अंदर, ये तो राजनीति की बात है, लेकिन अगर आपको ये बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो कृपया हमें बताएं कि और क्या क्या फैक्ट आप इनके बारे में जानते हैं, और अगर कोई और ऐसा नेता हो जिसकी बायोग्राफी आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।